दिल्ली, गुरुग्राम और मानेसर में लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने और इन शहरों के बेहतर कनेक्टिविटी के लिए तैयार मेट्रिनो पीआरटी प्रोजेक्ट के शुरू होने के अभी और कुछ वक्त उसमें लगेगा। मेट्रिनो प्रोजेक्ट के ऊपर एनओसी की तलवार लटकी है। रेल मंत्रालय ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को यह प्रोजेक्ट बनाकर बिना लोकल अथॉरिटी की मंजूरी के लागू करने से मना कर दिया। मेट्रिनो प्रोजेक्ट पर फिलहाल एनओसी की तलवार लटक रही है। मंत्रालय ने अथॉरिटी के अफसरों को पत्र लिखा है और कहा कि मेट्रिनो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ट्रामवे की कैटेगरी में आता है, इसलिए कहीं भी ट्रामवे चलाने के लिए लोकल अथॉरिटी की मंजूरी जरूरी है। रेल मंत्रालय के इस आदेश के बाद एनएचएआई के जनरल मैनेजर दिनेश यादव ने निगम अफसरों को पत्र लिखा है और मेट्रिनो संचालन के लिए मंजूरी मांगी है। दिल्ली, गुरुग्राम, मानेसर के बीच बेहतर कनेक्टिविटी और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए मेट्रिनो रेल संचालन का प्लान तैयार किया गया है। ये रेल धौलाकुआं से मानेसर के बीच कुल 37 किलोमीटर की दूरी तक चलाई जाएगी। पहले फेज में सरहोल टोल प्लाजा से लेकर सोहना चौक का करीब 13 किलोमीटर दूरी तक इसका संचालन किया जाएगा। फिलहाल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रेल विभाग के निर्देशों के बाद एनओसी के लिए नगर निगम को पत्र लिखकर अनुमति मांगी है, लेकिन जब तक अनुमति नहीं मिल जाती तब तक प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए इंतजार ही करना पड़ेगा। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़, हरियाणा।